Assalamualaikum, मैं आपका मेंटोर निशान पहले लेक्चर में सॉलिडवर्क के साथ हाजिर हूँ। आज बेसिकली हम इसका इंट्रोडक्शन और इसके 2D जो फीचर्स हैं फंक्शंस हैं फीचर्स होते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास जो फीचर्स होते हैं वो 2Ds होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, 3D 2D सॉफ्टवेयर में। कोई भी शेप जो 2D बनती है वो बाद में 3D में कन्वर्ट हो सकती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास स्केच कितने एग्जाम के हैं, वो दो एग्जाम के हैं। स्केच में सिंपल हमारे पास 2D के तमाम फंक्शन मौजूद हैं। उसके बाद डिमेंशन, कोई भी हम लाइन लगाते हैं ऐसे, हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो वो डिमेंशन के थ्रू हम देख सकते हैं। स्मार्ट डिमेंशन से ये होगा कि ये हमें टोटल फासला बता देगी इसका कितना है। ये टोटल 156.54 समथिंग है मिलीमीटर में दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब मैंने ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था तो मैंने इसका बाय डिफॉल्ट जो यूनिट था वो मिलीमीटर रख लिया। सो स्मार्ट डिमेंशन में हॉरिजॉन्टल डिमेंशन भी आती है, वर्टिकल भी आती है, बेसलाइन डिमेंशन भी आती है, चेन डिमेंशन भी आती है और ऑर्डिनेट डिमेंशन भी आती है। बाद में हम सारी चीज़ें साथ साथ कवर करते जाएंगे। मोस्टली हम स्मार्ट डिमेंशन को ही यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि डिमेंशंस के आगे हमारे कौन कौन से 2D फंक्शंस या फीचर्स हैं। आज जो हम लाइन को, रेक्टेंगल को और सर्कल को कवर करेंगे। अब लाइन हमारे तीन एग्जाम किया, एक लाइन सिंपल, एक सेंटर लाइन और मिड पॉइंट। सिंपल लाइन क्या होगी, एक पॉइंट पे से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे से तीसरे चौथे पांचवें पॉइंट पे कहीं भी ये मूव कर सकती है। अब ये देखिए ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन के मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये एक लाइन है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक ये दूसरी लाइन है। अब जो आगे वाली हमारे पास लाइन है वो हमारे पास है सेंटर लाइन। ये भी वो ऐसी काम करेगी जैसे हमारी ये सिंपल लाइन काम कर रही है, लेकिन डिफरेंस देखिएगा दोनों में, डिफरेंस ये है कि वो सीधी लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं है, प्लेन लाइन जिसे कहते हैं, और ये हमारे पास डॉटेड लाइन है और दोनों का काम सेम है। अब थर्ड वन जो हमारे पास है वो हमारे पास मिड पॉइंट लाइन। ये लाइन किसी भी लाइन को खींचने के लिए एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे, रेंज को हम खींचेंगे किसी भी साइड पे, लेफ्ट या राइट पे, ये दोनों तरफ ही स्ट्रेच करेगी और इक्वली स्ट्रेच करेगी। ये देखिए अब इक्वली स्ट्रेच देखने के लिए कि ये कितना है, हम ऐसे करके एक लाइन लगाते हैं सिंपल। अब देखना चाह रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, इसके लिए हम स्मार्ट डिमेंशन यूज कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 165.65, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये होती है, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही स्ट्रेच हो रही है लाइन। अब आई होप ये तीनों लाइनों में आपको डिफरेंस अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है, पहले हम करते हैं कि इसको रेज कर देते हैं। अब हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल हमारे पास पांच एग्जाम है, एक कॉर्नर है, एक सेंटर है, थ्री पॉइंट कॉर्नर है, थ्री पॉइंट सेंटर है और एक सिंपल पैरेललोग्राम है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, कॉर्नर है वो एक कॉर्नर से या एक नुक्कड़ से किसी भी साइड पे मूव कर सकता है, एक्स वाई एक्सिस में। और दूसरा हमारे पास वो सेंटर रेक्टेंगल, एक सेंटर वाला पॉइंट कहीं भी आप क्लिक करते हैं, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं किसी भी साइड पे तो ये एक रेक्टेंगुलर की शक्ल अख्तियार कर देते हैं। ये देखिए इसके बाद हमारे पास थ्री पॉइंट कॉर्नर, इसमें हमें तीन पॉइंट्स देने पड़ेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल जो है वो खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। वन पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, थर्ड वन, और ये हमारे पास शेप तैयार होगी रेक्टेंगल। ये देखिए टेढ़ी है, किसी भी एंगल पे जा सकती है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास है वो थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक सेंटर में लगाना पड़ेगा, उसके बाद इधर लगाना पड़ेगा। आप देखें सेंटर में
लगाया, उसके बाद हमने कहीं भी साइड पर लगा लिया। थर्ड पॉइंट जहाँ हम एंड करने जा रहे हैं, ये देखें सेंटर, फिर हमने ये लिया, देन ये लिया, और ये रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब इसकी भी डिमेंशन हम देख सकते हैं, इस साइड की भी देख सकते हैं कि कितनी है, इस साइड की भी देख सकते हैं कितनी है। इस पॉइंट की भी हम ले सकते हैं, समझ आ गई होगी आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीन पॉइंट लेंगे, एक कहीं भी ले सकते हैं, किसी देन या ठीक है किसी भी शेप, ये छोटी सी टेढ़ी भी हम कर सकते हैं। थ्री पॉइंट रेक्टेंगुलर और ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन ये मोस्ट मैं समझता हूँ इस डायरेक्शन बेहतर है इसकी नस्बत। यानी मैं आपको इस चीज़ की समझ आ गई। और अब हमारे पास थर्ड वन जो है वो है सर्कल। सर्कल की दो अकसाम है, सिंपल सर्कल जो है वो सेंटर से, जो कि हम छोटी क्लासरूम से लेकर अब तक बनाते आ रहे हैं, वही उसी तरह की रेक्टेंगल सॉरी सर्कल है। अब मतलब पैरामीटर सर्कल, ये पैरामीटर सर्कल क्या है, इसमें हमें तीन पॉइंट्स देंगे, वन एक दो तीन, हमने पॉइंट दिए, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। लेकिन मोस्टली ये वहाँ यूज होता है जहाँ हमारे पास शेप्स बनी हो, जैसे कि एक हमारे पास शेप है, एक शेप बना लेते हैं उससे, एक लाइन इधर लगा लेते हैं, एक इधर लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। तो हम तीनों पॉइंट्स के सेंटर में सर्कल को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें पैरामीटर सर्कल लेना पड़ेगा। इस पॉइंट को हम किया, फिर इसको किया, और फिर इस पॉइंट देखिए तीनों ही पॉइंट्स को इसने काटा, हर एक को इसने काट के गया। तो ये खास जरूरत हो तो फिर इस सर्कल को यूज किया जा रहा है, अदरवाइज की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। बट एनीथिंग कोई भी चीज़ जो काम आ सकती है, सो ये भी चीज़ आनी चाहिए। आई होप के आपको आज का पहला लेक्चर जिसमें तीन फीचर्स को, टू डी फीचर्स को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया, डिटेलिंग जर्नी जिसमें हमने लाइन, जिसमें लाइन सेंटर लाइन और मिड पॉइंट, लाइन में जो थी और बाद रेक्टेंगल, इसमें कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को हमने कवर किया। उसके बाद हमने सर्कल, जिसमें सिर्फ दो टाइप थे, सिंपल सर्कल और पैरामीटर सर्कल। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर जो दबा दीजिए, ताकि जो आपको फ्यूचर अपडेट्स और फ्यूचर वीडियोज़ आसानी से नोटिफाई हो सके।